जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों क्लास 12 इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 एंड इंट्रोडक्शन, जो कि जैक बोर्ड टर्म 1 में एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है किस किस चीज़ का इंक्लूड है इसमें। तो यह इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इंडिविजुअल यूनिट, स्मॉल यूनिट, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कंज्यूमर बिहेवियर इज स्टडीज इन, कंज्यूमर बिहेवियर एक चैप्टर है वो किस बुक में स्टडी किया जाता है। तो यहाँ जो दिया हुआ है, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनकम थ्योरी, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडीज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पढ़ा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर में। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, इंडिविजुअल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो पढ़ा जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेशनल इनकम भी पढ़ा जाता है, फुल एम्प्लॉयमेंट भी, और टोटल प्रोडक्शन भी पढ़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो ब्रांच है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। प्रोडक्शन प्राइस डिटर्मिनेशन भी है, फैक्टर प्राइस डिटर्मिनेशन भी है, एंड इकोनॉमिक्स वेलफेयर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। लैंड भी है, लेबर भी है, कैपिटल भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माइक्रो विच मीन्स अ स्मॉल, बिलोंग टू माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल, लेकिन ये जो वर्ड है वो किस जगह से, मतलब किस लैंग्वेज से बिलोंग करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो बी हो जाएगा, ग्रीक वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच इकोनॉमिक्स डिवाइड इकोनॉमिक्स इन टू ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। वह कौन सा व्यक्ति है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स के दो भाग में बांट दिया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज़। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, रंगनार फ्रिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु सेड इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, कौन बोला था कि इकोनॉमिक्स जो है साइंस ऑफ वेल्थ है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड सोर्स एंड अनलिमिटेड वांट्स, कौन दिया था यह कॉन्सेप्ट लिमिटेड सोर्स है और अनलिमिटेड वांट्स है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, रोबेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु वॉज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का फादर कौन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, एडम स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु गेव द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर, यह डिफिनेशन कौन दिया था इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू वेलफेयर का, डिफिनेशन कौन दिया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द वर्ड माइक्रो वॉज फर्स्टली यूज बाय, जो वर्ड है माइक्रो वो सबसे पहले कौन यूज किया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो डी हो जाएगा, सैमुएलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हुम इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, किसके हिसाब से इकोनॉमिक जो है वो साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो ए हो जाएगा, मार्शल। मार्शल के हिसाब से जो इकोनॉमिक है वो साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो सी हो जाएगा, मनी। मनी जो है वो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टडीज अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो स्टडी किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, इंडिविजुअल फैमिली भी, इंडिविजुअल फार्म्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन सब द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज बींग स्टडीज अंडर विच ब्रांचेस, जो सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक्स है वो किन तीन सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा जाता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स का नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो ए हो जाएगा, जे बी सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु सेड इकोनॉमिक्स समटाइम पॉजिटिव साइंस एंड समटाइम नॉर्मेटिव साइंस, कौन कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव साइंस भी है और कभी कभी नॉर्मेटिव साइंस भी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, वो बी हो जाएगा, फ्रीडमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक इज अ लॉजिक ऑफ चॉइस, दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इकोनॉमिक इज अ लॉजिकल ऑफ चॉइस, यह स्टेटमेंट कौन दिया था। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा, रॉबिन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स इकोनॉमिक इज, रॉबिन के हिसाब से इकोनॉमिक क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा, पॉजिटिव साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माइक्रो मीन्स क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है स्मॉल, बिग, वेरी बिग, नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक इज अ स्टडीज एज, इकोनॉमिक्स किस तरह से पढ़ा जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, आर्ट एंड साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंक्लूड्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? तो इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, माइक्रो स्टडीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज, माइक्रो इकोनॉमिक्स से किस चीज़ का स्टडीज किया जाता है? फुल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, टोटल प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दिस। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, प्लेइंग फुटबॉल फॉर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हु रिगार्ड्स इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम हैज़ बीन इंस्टॉल्ड, इकोनॉमिक के स्ट्रक्चर के बेसिस पर प्रॉब्लम इंस्टॉल किस तरीका से हुआ था, किस चीज़ से हुआ था? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अनलिमिटेड वांट एंड लिमिटेड सोर्स, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ट्रू, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सही है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ह्यूमन वांट्स आर इनफिनाइट, रिसोर्स आर लिमिटेड, स्कार्सिटी प्रॉब्लम गिव बर्थ टू चॉइस, इनमें से सब ऑप्शन सही है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच इज द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमिक, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स का? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, ऑल ऑफ अबव, यानी कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्स भी हो जाता है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच फैक्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली रिलेटेड, इकोनॉमिक का कौन सा प्रॉब्लम है जो बेसिकली रिलेटेड होता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा, चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइलेंट फ्यूचर ऑफ फैक्टर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, दीज आर लिमिटेड एज कम्पेयर टू वांट, दीज हैव अल्टरनेटिव यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स का? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट प्रोड्यूस गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विच इकोनॉमिक्स हैज अ को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, मिक्स्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स इज, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों मैक्सिमम प्रोडक्शन, इकोनॉमिक फ्रीडम, ईयरनिंग प्रॉफिट, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा, ईयरनिंग प्रॉफिट, सॉरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, कौन सा इकोनॉमिक डिसीजन है जो प्राइस मैकेनिज्म पर लिया जाता है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, कैपिटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द स्लोप ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेबिलिटी कर्व फॉल्स, प्रोडक्शन प्रोसेबिलिटी कर्व का स्लोप कब गिरता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, द स्लोप ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेबिलिटी कर्व राइज, प्रोडक्शन प्रोसेबिलिटी कर्व राइज कब होता है? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रोडक्शन प्रोसेबिलिटी कर्व इज, प्रोडक्शन प्रोसेबिलिटी कर्व क्या होता है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा, कंकेव टू द एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मेंशन करना है नाम जो कि इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को दिखाता है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो डी हो जाएगा, प्रोडक्शन प्रोसेबिलिटी कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ द ऑनरशिप ऑफ द रिसोर्स इकोनॉमिक्स आर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप रिसोर्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या है? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमिक, मार्केट इकोनॉमिक, मिक्स्ड इकोनॉमिक, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।